देखो क्वेश्चन है, अ शेल जिसका मास कितना है 30 kg, तो एक शेल जिसका मास है 30 kg इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 48 meter per second, ये एक्सप्लोड कर गया, तो जब एक्सप्लोजन होगा तो मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, एक्सप्लोजन से पहले एक्सप्लोजन के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। तो एक पार्ट 18 kg का स्टॉप, स्टॉप का मतलब वेलोसिटी क्या, जीरो। जो दूसरा पार्ट होगा 12 kg का, वो कह रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम कितना है टोटल 30 × 48, एक्सप्लोजन के बाद इस बॉडी का मोमेंटम क्या है, जीरो, स्टॉप कर गई, और उसका मोमेंटम कितना है 12 × तो वी निकाल लेना, आंसर आ रहा है चेक करो 120। तो कैसे लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन की क्वेश्चन, क्लियर समझ में आ रही है? तो हमने वो लेक्चर क्यों अभी डिस्कस किया थ्योरी वाला, ताकि आपको पता लगे कि कैसे मोमेंटम एक्सप्लोजन से पहले एक्सप्लोजन के बाद विल रिमेन सेम। टोटल 30 है ना, 30 के दो टुकड़े हो गए, एक 18 हो गया और एक 12 हो गया, 18 नहीं है 18 kg स्टॉप्स, तो 30 किलो में से 18 किलो के दो टुकड़े, 18 किलो तो रुकी गया, तो 12 किलो कितनी वेलोसिटी से गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो वो थ्योरी की शीट कोई नहीं पूछेगा, अगर आप ये सुनो ना पिछली शीट याद करके जाऊंगा और मैं टॉप करूंगा, कुछ नहीं आता उसमें से। देखो तो कभी कभी बोलता हूँ ना कुछ आता है, ज्यादातर यही बोलता हूँ कुछ, पर फिजिक्स में कुछ नहीं आएगा अगर वो शीट नहीं आएगी, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन फिजिक्स का इतना जबरदस्त पार्ट है, जैसे कैलकुलस है, ऐसे वेक्टर है, मोमेंटम कंजर्वेशन तो कभी भी टफ पड़ेगा किसी भी न्यूमेरिकल में। तो आपको ये इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको बस क्लिक करना चाहिए, अच्छा ये बॉल टक्कर हो रही है, मोमेंटम कंजर्व करो, तो आपको आदत पड़ जाएगी थोड़े दिनों में। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ये देखो, अ न्यूट्रॉन हैविंग मास, तो न्यूट्रॉन का मास गिवन है, लेट अस सपोज ये मास है m1 एंड मूविंग एट वेलोसिटी गिवन, तो एक काम करो m1 न्यूट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी 10^8 m/s है, कोलाइड विद ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन का मास m2 कर लेते हैं और लाइंग एट रेस्ट। क्लियर है यहां तक? और ड्यूट्रॉन का मास गिवन है क्या? हाँ, ड्यूट्रॉन का मास गिवन है, तो ये क्या है m2, न्यूट्रॉन का मास पता है, ड्यूट्रॉन का मास पता है, ठीक, एक मूव कर रहा है और एक रेस्ट पे है। अब क्या है, दे स्टिक्स टुगेदर, भाई वो चिपक गए, इनकी टक्कर हुई ये चिपक गए, चिपकने के बाद इनका मास क्या हो गया, m1 + m2, और फिर ये मूव करते हैं विद अ कॉमन वेलोसिटी वी, फाइंड कॉमन वेलोसिटी वी। तो बॉल्स की टक्कर चिपकने वाली है की ना हमने, तो क्या था m1 × 10^8 और इसका मोमेंटम क्या, जीरो, और टक्कर के बाद m1 + m2 कॉमन वेलोसिटी वी। तो आपको इसको क्वेश्चन में वी निकालना है, m1 m2 न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन का मास पता है, वी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो कैसे क्लिक कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो जो हमने कॉन्सेप्ट किया कैसे लगेगा न्यूमेरिकल्स में, तो थ्योरी तो याद नहीं कर सकते, लगाना तो न्यूमेरिकल भी पड़ेगा अल्टीमेटली। पॉइंट समझ में आ रहा है कि व्हेन स्टिक टुगेदर आ जाएगा, दो बॉल दो न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन, रूल वही है कि स्टिक करने से पहले मोमेंटम, स्टिक करने के बाद मोमेंटम की वैल्यू विल रिमेन सेम। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट।
कार का मास कितना है? 1000 kg, ट्रेवलिंग एट 32 मीटर पर सेकेंड। डैशेज इन टू अ रियर ऑफ ट्रक, ट्रक का मास कितना है? 8000 kg, मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ 4 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम क्लियर है? कार आई, ट्रक जा रहा है, टक्कर होगी इनकी। टक्कर होने के बाद कार बाउंसेज विद अ वेलोसिटी ऑफ 8। तो बाउंस करने का मतलब क्या होता है? इसकी वेलोसिटी उल्टी तरफ होगी, कितनी? 8 बाउंस होगी, पीछे आ गई। तो आपको बताना है, जो ट्रक है उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वो थोड़ा बाउंस करेगा, वो तो आगे जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? डायग्राम समझ में आ गया? बाउंस करने का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, उल्टा कर दो, ना बोलता तो सीधे रख देते। क्लियर है यहां तक? अब रूल तो वही है, टक्कर से पहले टक्कर के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। लगाएं तो कोलिज, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इधर का मोमेंटम पॉजिटिव है, इधर का मोमेंटम नेगेटिव है, उल्टी डायरेक्शन नेगेटिव है। तो लगाएं कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना है? 1000 × 32। इसका मोमेंटम कितना है? 8000 × 4। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया दोनों बॉल्स का। कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम बोलो कितना? 1000 × 8, लेकिन विद साइन नेगेटिव। बोला ना, राइट का मोमेंटम पॉजिटिव है तो लेफ्ट का नेगेटिव करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? और ट्रक तो वहीं जा रहा है तो ट्रक के लिए कितना? 8000 × V निकाल लो आंसर। तो आप पूछे थे ना डायरेक्शन उल्टी हो जाए तो क्या करेंगे, तो मोमेंटम नेगेटिव ले लेंगे। मोमेंटम नेगेटिव, इधर का मोमेंटम नेगेटिव, उधर का मोमेंटम पॉजिटिव। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इन इक्वेशंस को हम यूज कर रहे हैं? ठीक है, ओके ठीक है।